अभियान आपका सफल रहा। पर तो अभियान भी जारी रहेगा सर, ये कोई नहीं, मतलब मेरा जो लोगों के बीच में जा करके बात रखना, लोगों का सुनना, ताकि इस चीज को और बेहतर ढंग से और जितना बढ़िया से सब जगह हम सुन रहे हैं। जो जीविका समूह की है, जीविका दीदियां हैं, ये सब बोल रही हैं, जितना अनुभव हुआ है, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया है, कैसी खराब स्थिति में थी, कैसे सुधरी है, कैसे काम हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में, सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में जो हम लोगों ने 18 शुरू किया उसके बारे में बता रही है, जो शराबबंदी के बारे में बता रही है, बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ बोल रही है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ ना है। तो हम लोगों का तो पर्पस है कि देखिए, एक बात हम बराबर कहते हैं, विकास का जो काम है और समाज में आप समझिए कि एक लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों को ठीक रखने का काम, ये काम तो निरंतर करते ही रहते हैं और ये करते ही रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आप विकास की बात करिएगा, लेकिन समाज सुधार का अगर काम नहीं होगा तो उससे प्रेम और भाईचारे का माहौल नहीं पैदा होगा। इसलिए इस काम को करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखते हैं, शुरू से हम लोग इस तरह का अभियान चलाते हैं और फिर शुरू कर दिया है। गलत फहमी कोई पैदा होती है तो कम से कम कुछ कुछ बोलने का सबको अधिकार है जो बोलें, लेकिन इस तरह से ये चलता रहेगा तो समाज में इतनी जागृति आएगी कि सच पूछिए तो बाल विवाह से भी मुक्ति होगी, दहेज प्रथा से भी मुक्ति होगी, और जो नशा मुक्ति के लिए जो अभियान है एकदम बिल्कुल इसको लोग सही मानते जा रहे हैं। और हम तो आप बता दिया, 2018 का फिगर लिया था 1,64,00,000 है, अब इस बार फिर हम कहें कि अध्ययन कर लीजिए तो कितना लोग शराब छोड़ा है, ये सब भी देखेंगे। एक एक चीज़ के बारे में, और जिस तरह से एक एक तरह का अनुभव होता है तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता है, तब उसकी बात अलग है, लेकिन अभियान जो सबसे जरूरी चीज़, ये निरंतर होगा तो लोग इसको समझेंगे, बात को समझेंगे, और इसमें महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, पुरुषों की बड़ी भूमिका है, सब लोग मिल करके इस काम को करेंगे। और जीविका की दीदियां हैं, बहनें हैं, उन्हीं के तो कहने पर शुरू हुआ है शराबबंदी, तो अब अगर सब लोग मिल करके इस काम को करेंगी तो मुझको पूरा भरोसा है कि ये चीज़ होगा। तो आज तो मान लीजिए हमने 12 जगह का तय किया, तो आज ये मेरे हिसाब से 12वां भी पूरा हो गया। अभी कोरोना के चलते कितना दुख हुआ था उस समय कि फिर देखिए इसके चलते काम रुका, उसको भी देखना पड़ा था, तो एक अलग बात है, हम तो खुद भी उससे पीड़ित हो गए थे। आपका संवाद कारगर हो रहा है, जीविका की दीदियों ने जिस तरह से अपनी बात रखी है मजबूती से, सब ठीक है। और जगह जगह पर भी इन लोगों को जो काम में अनेक चीजों में लगाया जाता है, किसी भी चीज में, अब बताइए ना अस्पतालों में, अब जिस तरह से होगा उसको खाना के, तो हमने जाकर के एक जगह देखा, पिछले ही साल देखे ना, तो उसी समय जो देखा इतना अच्छा काम आज कितनी जगहों पर शुरू हो गया। तो देखिए काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक एक चीज का जो अभियान आई जो है ना, एक चीज और हम बता देते हैं, नीरा वाला भी जो समय हम शुरू करवाए थे वो फीच में फिर ये हुआ, ये जब आएगा तो एक बार देखिए कितना अच्छा, आज हम लोग टेस्ट किए हैं सर, इतना बढ़िया चीज है। और खास करके ताड़ी का जो होता है ना, अभी तो और चीजों से भी हो सकता है, लेकिन जो ताड़ के पेड़ से ताड़ी की जगह पर नीरा होगा वो और सबसे अच्छा है, तो इसलिए उसके लिए भी करना चाहिए। और जो कम्मा में लगा हुआ है बेचारा ऊपर जाता है करता है, पर्टिकुलर कास्ट का लोग है उसको कुछ भड़काता है, अरे भाई उसको तो हम पैसा दे रहे, यही काम करो, किसी दूसरे के पर जाते हो तो अगर वो ये करेगा तभी होगा, नहीं तो कोई जाएगा ही नहीं उसको निकालने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत सोच समझ करके इस काम को और किया है। और एक बात जान लीजिए, हम तो मन में बनाए हुए कि अगर ये काम, अगर इसका अभियान चला और खूब बढ़िया ढंग से इसको अडॉप्ट करेगा, तो आप जान लीजिए कि हम CM रिलीफ फंड से भी ये हम लोगों को अनुदान देंगे। धन्यवाद सर।